देखते हैं रेड्स का ये दस्ता इस वक्त प्लस फॉर्मेशन इख्तियार कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक ड्रिल है, लेकिन ये सोल्जर्स की जिस्मानी फिटनेस और जहनी मुस्तादी के साथ मखसूस इर्तबात और माहिराना राइफल एक्शन को भी आया करती है। खवातीन हज़रात, इस वक्त रेड्स का ये दस्ता सिंगल फाइल फॉर्मेशन इख्तियार कर रहा है। वेपन कंट्रोल, एजिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन, रेंजर्स एग्जिबिशन ड्रिल स्क्वाड। और अब सिंगल फाइल फॉर्मेशन में कमांडर को इंस्पेक्शन की गर्ज से अपनी राइफल दिखाएंगे इंस्पेक्टर असजद इकबाल। स्लो मार्च करते हुए दस्ते के सामने से गुजर रहे हैं और मुंतखब सोल्जर्स की राइफल की इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का ये अमल राइफल थ्रो के जरिए सरंजाम दिया जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि रेड्स का ये जवान दोनों हाथों के साथ राइफल घुमा रहा है, जो कि इसकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। इस ड्रिल में राइफल 303 इस्तेमाल की गई है, जिस पर बरकी अमल से चांदी चढ़ाई गई है, जो इसको मजीद नुमाया करती है। ये ड्रिल 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है। इस ड्रिल की ये खूसियत है कि इसमें सिर्फ शुरू और आखिर में कॉशन दिया जाता है, बाकी तमाम कार्रवाई बगैर किसी कॉशन के की जाती है। ड्रिल के दौरान
303 राइफल इस्तेमाल की जा रही है। रेड्स का ये दस्ता यके बाद दीगरे अपनी फॉर्मेशंस बदल रहा है। अब ये जवान बॉक्स फॉर्मेशन इख्तियार कर रहे हैं, जिसके बाद दायरे की शक्ल इख्तियार की जाएगी और बा आवाज़े बुलंद पाकिस्तान रेंजर्स का नारा लगाएंगे। और अब डायमंड सायरन का नारा बुलंद किया जाएगा। बागा बॉर्डर पर जो तकरीब मुनाकिद की जाती है, रेंजर्स के इन जवानों की ही ड्रिल है। तीनों हजरात अब रेड्स फ्रंट और बैक क्रॉसिंग का खूबसूरत मुजाहिरा पेश करेंगे। खवातीनों हजरात, मशरकी सरहद पर जारियत के खिलाफ पाकिस्तान रेंजर्स का इंतहाई अहम और फाल किरदार है। पंजाब रेंजर्स के गयूर और बहादुर जवानों ने पाक फौज के शाना बशाना 1965 और 1971 में अपने खून से अर्ज़े वतन की आबियारी की। के साथ ही रेड्स का ये मुजाहिरा अपने इख्तिताम को पहुंचा। ख्वातीनों हजरात, आज की योम पाकिस्तान परेड में चंद नामवर पाकिस्तानियों को मदऊ किया गया है, जो कि पाकिस्तान का फख्र है।
पाकिस्तान की शान है, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। कुराने पाक में इरशाद है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इछरा बाजार वाक्य के हीरो जॉनसन तारिक एक मसीह दुकानदार जिनकी दुकान में एक औरत को उसके लिबास की वजह से हजूम की तरफ से हरासा करने का वाक्या पेश आया। ये जानते हुए भी कि औरत की उनकी दुकान में मौजूदगी पर मुश्तइल हजूम उनको जान से मारकर दुकान तक चला सकता है, उन्होंने पुलिस के आने तक ढाल बनकर उस औरत को हिफाजत से अपनी दुकान में बिठाए रखा। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए काबिले फख्र हैं। खवातीन हजरात, रेड्स परफॉर्मेंस के बाद अब ड्रम सोलो का मुजाहिरा पेश किया जाएगा। ड्रम सोलो अपनी तर्ज का एक मुनफरिद मुजाहिरा, इसमें ढोल, तबला और ढोलक के रिदम्स को ड्रम्स के साथ मुश्तरिका तौर पर बजाया जाता है। आज के इस मुजाहिरे में आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के 98 ड्रमर्स और 22 पाइपर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दस्ते की कयादत हवलदार गफार अकरम कर रहे हैं। ड्रम सोलो की खसूसियत ये है कि इसमें तमाम मूवमेंट्स बगैर किसी कॉशन के परफॉर्म की जाती हैं। ड्रम सोलो मुजाहिरे में ड्रम मेजर अपनी स्टिक को बहुत ही माहिराना अंदाज में घुमाते हैं। इस मुजाहिरे में 3 किस्म के ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें बेस ड्रम, टेनर ड्रम और साइड स्नेयर ड्रम शामिल है। ये दस्ता पॉप रिदम बजाते हुए फाइल फॉर्मेशन में आगे बढ़ा और अब सीढ़ी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ड्रम सोलो का ये दस्ता वापस क्लोज फॉर्मेशन में आकर अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करेगा। बैक पाइपर्स थॉट ऑफ प्रिंस की ट्यून बजाते हुए सर्कल फॉर्मेशन इख्तियार करेंगे। सर्कल फॉर्मेशन के बाद अब ड्रम रिदम्स की वैरायटी पेश की जाएगी। इस वैरायटी में 13 अक्साम के मुख्तलिफ तर्ज पर मबनी रिदम्स बजाए जाते हैं।
ड्रम रिदम को मजीद निखारने के लिए ड्रमर्स अपनी स्टिक्स को आपस में टकराते हैं, जो कि एक दिल फरेब मंजर है। कैप्टन आयशा, किसी भी म्यूजिकल बैंड में ड्रम और ढोल की क्या अहमियत होती है? मेजर जाहिद, किसी भी म्यूजिकल बैंड के अंदर ड्रम का कलीदी किरदार होता है, क्योंकि ये बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को वो बेस फ्राहम करता है जिस पर तमाम मौसीकी के आलात पैरवी करते हैं। इसी बिना पर ड्रम को खसूसी हैसियत हासिल है और ये अपने सुनने वालों में जोश और वलवले का बाइस है। जैसा कि आप जानते हैं कि ढोल पाकिस्तान के तमाम इलाकों में खुशियों के साथ जुड़ा है। खेलों के मुकाबले हो, उर्स हो, फसलों की कटाई हो या फिर कोई और त्यौहार, ढोल इन तमाम खुशियों का एक लाजमी हिस्सा है। खवातीन व हज़रात, ड्रम मेजर का स्टिक मूवमेंट का खूबसूरत अंदाज। ड्रम सोलो के इस दस्ते की क्यादत हवलदार गफार अकरम कर रहे हैं, जबकि ड्रम सोलो की तमाम फॉर्मेशंस और रिदम कंपोजिशन की तरतीब नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान ने तरतीब दी है, जिनका ताल्लुक आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक से है। राइड ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तनवीर अहमद की पाकिस्तान में मसाजिद, स्कूल्स और सैलाब जदगान के लिए इमदादी काम और माली तावन काबिले जिक्र हैं। गरीब तुलबा की स्कॉलरशिप के जरिए मयारी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए नस्ट को अतिया, पाकिस्तान से हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए इकदाम, सियालकोट में 7 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुफ्त डायलिसिस सेंटर का क्याम और अपने गांव डस्का में एक गर्ल्स हाई स्कूल की कॉलेज में तब्दीली इनकी बेलोस खिदमात हैं। आप वाकई एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। आपको कौम का सलाम। हमारे परचम में मौजूद सफेद रंग अकलियतों की नुमाइंदगी है। हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले रूहान खटवानी ने इस्लामाबाद साइंस फेस्टिवल 2021 में सिर्फ 1 मिनट 58 सेकंड में पीरियोडिक टेबल को तरतीब देकर आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। आप कौम का सरमाया,
कौम का फखर हैं और आपने परचम में सफेद रंग का हक अदा किया। खवातीनो हजरात, इसके साथ ही ड्रम सोलो परफॉर्मेंस अपने इख्तिताम को पहुंची। ख्वातीनो हजरात, प्राइड ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सूबाए सिंध की शान सनिया आलम एक रिकॉर्ड होल्डर हैं। आपको दिमागी ख्वानदगी में तावुन और सुपर लर्निंग के जरिए तालीम के फरोग के सिलसिले में बर्तानिया के ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया। आप इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियंस की कोचिंग कर रही हैं। अपनी कामयाबियों के पेश नज़र 2021 में अमरीकी सदर जो बाइडन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वसूल किया। कौम आपको सलाम पेश करती है। दुनिया इस वक्त शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रही है। इन्हीं तब्दीलियों के नतीजे में 2022 में पाकिस्तान में सैलाब की वजह से लाखों लोग मुतासिर हुए। डॉक्टर आलिया ने इन गरीब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान के सूबा सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में बिला मुआवजा तिबी कैंप्स लगाए। आपकी इन्हीं खिदमात का एतराफ करते हुए अक्वाम मुत्तहदा ने मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP28 के दौरान डॉक्टर आलिया को फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाजा। बैन अल-अक़वामी सतह पर किसी पाकिस्तानी की इंसानियत के लिए काविशों का इतराफ बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए काबले फख्र है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज और मैं हूं सोनिया अदनान। और मैं हूं सायरा शाहीन, सन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेईस मार्च तरक्की अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन, यौम पाकिस्तान आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली, यकजहती और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं और कुरान खुआनी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई